Hello friends, welcome back. This is Asif Ansari and you are watching Engineering Tactics. Guys, इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ किसी भी रॉड में जो स्ट्रेस अप्लाइड होती है उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे. अगर आपको कोई एक रॉड दिया जाए और उसमें एक फोर्स अप्लाइड होती है और आपसे पूछा जाए कि इसमें स्ट्रेस कितना आ रहा है, तो इस कैलकुलेशन के जरिए आप उसको वहीं पे बता सकते हो कि उसमें स्ट्रेस कितना आएगा उस रॉड में. तो इस वीडियो में मैं आज आपको वही बताने वाला हूँ. ये मैंने सिंपल सा एग्जांपल लिया है, बहुत इजी कैलकुलेशन है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ. एग्जांपल के लिए मैंने लिया है अ रॉड ऑफ 1 मीटर लॉन्ग एंड 25 एमएम डायमीटर इज सब्जेक्टेड टू पुल ऑफ 10 किलो न्यूटन फोर्स, डिटरमाइन द स्ट्रेस इन अ रॉड. ओके, यानी कि इसमें बताया गया है कि 1 मीटर लॉन्ग बार हमने लिए है, उसका डायमीटर है 25 mm, उसको 10 किलो न्यूटन फोर्स से पुल किया जा रहा है, उसको खींचा जा रहा है, तो हमें उसमें स्ट्रेस मालूम करना है उस रॉड का कि उसमें स्ट्रेस कितनी अप्लाइड हो रही है. ओके, तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं. गिवन डाटा पहला दिया हुआ है, रॉड की लेंथ है 1 मीटर. ओके, और इसका डायमीटर है, डाया ऑफ रॉड 25 mm. ओके, और उसको फोर्स पुल किया जा रहा है, इसको हम पी से डिनोट कर देंगे. ओके, ये 10 किलो न्यूटन. अब 10 किलो न्यूटन है, उसको हम न्यूटन में कन्वर्ट कर देंगे. तो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली 10 × 10³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये किलो न्यूटन न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा. और फिर हमें क्या मालूम करना है, स्ट्रेस मालूम करना है. स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये हमें मालूम करना है. इसके अकॉर्डिंग हम एक फिगर बना लेते हैं यहाँ पे, कि सपोज ये रॉड है. ओके, इसकी लेंथ दी हुई है 1 मीटर और इसको पुल किया जा रहा है 10 किलो न्यूटन से. ओके, तो हमें बताना है कि इसमें स्ट्रेस कितनी अप्लाइड हो रही है. तो सबसे पहले हम क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल लेंगे इस रॉड का. ओके, तो क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा इसका, राउंड रॉड है तो इसका π/4 × d², तो π/4 × d, डी क्या दिया हुआ यहाँ पे 25 mm. तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 490.87 mm². हमें इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मिल गया. हमारे पास पी यानी फोर्स दिया हुआ है, तो सिंपली स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है, पी बाय ए, यानी जो भी फोर्स अप्लाइड हो रहा है इसको पुल करने के लिए, उसको डिवाइड कर देंगे इसको क्रॉस सेक्शन एरिया से, तो हमें स्ट्रेस मालूम पड़ जाएगा. तो पी है हमारे पास 10 × 10³ न्यूटन, उसको डिवाइड करेंगे सब क्रॉस सेक्शन एरिया से, वो आया हमारा 490.87. तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 20.37 न्यूटन पर mm². तो ये आपका आंसर आ गया, 20.37 न्यूटन पर mm² स्ट्रेस अप्लाइड होगी इस रॉड में जब उसे 10 किलो न्यूटन फोर्स से उसको खींचा जाएगा, तो यानी उसको पुल किया जाएगा. तो ओके, तो इस तरीके से आप सेम मेथड का यूज करके किसी भी लेंथ का, किसी भी डायमीटर, किसी भी क्रॉस सेक्शन रॉड का, आप जितना भी फोर्स उसमें अप्लाइड हो रहा है तो उसका आप स्ट्रेस मालूम कर सकते हैं. ओके, सो ये आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल कैलकुलेशन था. तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू. सो हिट लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन टू रिसीव नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली इन योर मोबाइल फोन. टिल देन कीप स्माइलिंग. थैंक यू.